रहा कोनो पुरखार शुरू चले की चार छू कलम अपन मनाबाते नंते बड़ा लगना और ये कलम ही जो महत्व है के आज इन है के पद्दा खेपनु जब दुख चपली हद खरदार के मना हिल रहा खाने आबारी अबड़ा सोचार क्या बेकाशी दुख चपली का अपन हटाब ओम बाचार चले अबड़ा सोचार कि करम गरोट पच्चो करम गरोट नाम सेवा ननोट होले हो सके कि दुख चपली जो बढ़ा लीजिए अबड़ा दुख चपली जमा हटरो कालो बाचार चले इन करम अबून पुरखा चले की मन से और नन से बरानार और इन्ना हो पुरखार इना मन से नन से बरानार इन्ना नारायणपुर पद्दाटा धर्म कुड़ियानु इन्ना इन्ना पच्चो करम गंडकारी चले ईशान मूर्ख रिझ रंग चले पर बाबून मनानार नालानार टोकानार उड़ाओ आदिवासी शुरू से ही इसको मनाते आ रहे हैं पुरखा लोग चार छू एक वर्ष में चार छू कर्मा गाते थे जिसमें से ये अंतिम इसको बोलते हैं अपना आदिवासी पुरुष भाषा में पच्चो कर्म बुढ़िया कर्म कहते हैं और ये कर्म इसलिए मनाया जाता है कि किसी जमाने में किसी गांव में बाल बच्चों के लिए भारी तकलीफ था दुख था कष्ट था तो ऐसे स्थिति में हमारे पुरखा लोग ये सोचने लगे कि हम कर्मा को इस बुढ़िया कर्मा को हम मनाएंगे तो हो सकता है कि हमारे गांव ग्राम में जो भी दुख है तकलीफ है कष्ट है वो हट जाएगा ऐसा सोच विचार करके हमारे पुरखा लोग इस कर्मा को गाड़ करके उसका सेवा श्रद्धा भक्ति के साथ किए और वो दुख तकलीफ गांव में जो फैला हुआ था वो दुख तकलीफ हट गया और उसी समय से हमारे पुरखा लोग आदिवासी पुरखा लोग मना से आ रहे हैं ऐसे बुढ़िया कर्म को।